सभी पत्रकारों ने गंजपा सौदा को जिला बनाने केंद्रीय कृषि मंत्री मुख्यमंत्री और परिसीमन आयोग के नाम सौंपा ज्ञापन। रविवार को मानस भवन में गंजपा सौदा को जिला बनाने हुई सर्वदलीय बैठक के बाद आज सभी पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री मुख्यमंत्री और परिसीमन आयोग के नाम नायब तहसीलदार सविता पटेल को ज्ञापन सौंपकर गंजपा सौदा को जिला बनाने का शंखनाद कर दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि गंजपा सौदा को जिला बनाने की मांग बरसों पुरानी है। यह जिला बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। यह सबसे बड़ी अनाज मंडी, पत्थर मंडी, कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, पर्यटन स्थल सहित अन्य व्यवस्थाएं हैं। यह नगर वर्तमान में विदिशा जिला मुख्यालय के समक्ष ही विकसित एवं समृद्ध है। साथ ही यह रेलवे एवं सड़क मार्ग से सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से रेलवे एवं राजस्व आय भी जिले की बराबरी ही होती है। वर्तमान में प्रदेश में मौजूद कई प्रमुख जिलों की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए गंजपा सौदा उन सबसे बेहतर स्थिति में है, इसलिए गंजपा सौदा को जिला बनाया जाना सर्वथा न्याय संगत होगा। नगर के पत्रकारों का आपसे अनुरोध है कि गंजपा सौदा को जिला बनाने की मांग को अविलंब स्वीकार किया जाए। यदि इस मांग पर कार्यवाही नहीं होती है तो नगर के पत्रकार सभी राजनैतिक दलों, संगठनों, नागरिकों एवं ग्रामीणों के साथ चरणबद्ध आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मांग पर अवश्य सकारात्मक कार्यवाही करेंगे। गंजपा सौदा जिला बने इसके लिए आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों ने आज यहां आकर ज्ञापन दिया है। गंजपा सौदा जिला बनने का अधिकार इसलिए है, गंजपा सौदा विदिशा जिले की सबसे बड़ी मंडी है। यहां से लाखों रुपए की आय शासन को होती है। दूसरा, पत्थर मंडी भी गंजपा सौदा में है। देश ही नहीं, विदेशों में भी यहाँ का पत्थर जाता है, उससे भी रॉयल्टी के रूप में शासन को लाखों रुपए मिलते हैं प्रतिमाह। इसके अलावा गंजपा सौदा नगर विदिशा जिले के मध्य में है, इसलिए गंजपा सौदा जिला बनना चाहिए। सिरोंज के लोगों को, पठारी के लोगों को, पुरवई के लोगों को, ये अपने त्योंदा आदि ये जो है तहसीलें, उप तहसीलें ये गंजपा सौदा से जुड़ जाएंगी और निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ होगा। हम चाहते हैं कि इसमें व्यापारी और नगर के जितने भी संगठन हैं हमें सबको सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब से ये संभावनाएं आई हैं कि प्रदेश में परिसीमन आयोग के द्वारा प्रदेश के सभी शहरों का परिसीमन करके नए जिलों को बनाया जा रहा है, उसी को ही लेकर गंजपा सौदा में भी बरसों पुरानी मांग चली आ रही है, क्योंकि गंजपा सौदा हर एक स्थिति से जिला बनने के लायक है। इसमें हर एक प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं और जब इस बात को मीडिया के सामने लाया गया तो आज गंजपा सौदा की मीडिया ने इस पहल को आगे बढ़ाया है और ये पहल तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि गंजपा सौदा को जिला बनाने की घोषणा नहीं कर दी जाती है। तो उस क्रम में आज मीडिया के द्वारा, गंजपा सौदा की मीडिया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। वहीं ये क्रम लगातार जारी रहेगा और समय समय पर गंजपा सौदा के अंदर ज्ञापन ही नहीं, आंदोलन भी किए जाएंगे, जिनको एक चरणबद्ध तरीके से गंजपा सौदा के अंदर निभाया जाएगा। देखो, जिले की जो मांग है पूरे क्षेत्र की मांग है और यहाँ वो तमाम मापदंड जो उसके तहत होते हैं वो हमारे जिले में, चाहे शैक्षणिक संबंधित हो, संस्थाओं संबंधित, या अनाज मंडी हो, या पत्थर व्यवसाय हो, ये तमाम चीज़ें शासन को राजस्व भी ज़्यादा देती हैं और यहाँ पे आवागमन के साधनों के माध्यम से भी तमाम ट्रेन स्टॉपेज भी हैं और शैक्षणिक संस्थाओं के कॉलेज वगैरह भी हैं। यहाँ पे जिला का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीमाओं के यदि देखा जाए तो यहाँ से विदिशा की दूरी 50 किलोमीटर है। बेहतर होगा कि गंजपा सौदा को जिला बनाए। गंजपा सौदा का प्रदेश में जिस तरह से जो है वो जिले बनाए जा रहे हैं और उसमें गंजपा सौदा एक महती जो है आवश्यकता और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। गंजपा सौदा उन तमाम मापदंडों पर खरा उतरता है जो जिला बनाने के लिए आवश्यक है, चाहे वो व्यापारिक हो, शैक्षणिक हो, आवागमन के साधन हो, या भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि की बात हो तो भी जिले के जो प्रदेश के तमाम जिले हैं उनसे कहीं बांसौदा जो है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और बांसौदा को अगर जिला बनाया जाए तो दूर
दराज के तमाम जो गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय तक पहुंचना बड़ा दुर्लभ है, वो तमाम गांव यहां गंजवासदा से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और यहां पर जिले से मिलने वाले सुविधाएं और जिले में होने वाले काम यहां के ग्रामीणों के लिए, खास तौर से अगर बात करें तो छात्रों, किसानों और कर्मचारियों के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त होगा। और इसको अगर जिला बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है वो गंजवासदा ही नहीं बल्कि अगर प्रदेश में देखा जाए तो गंजवासदा एक अलग अपना स्थान रखेगा और ये एक जाना पहचाना एक अच्छा खासा जिला होगा।